ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद जुनैद जो दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस के हिरासत में है, और उनके अहले खाना का कहना है कि मेरा लड़का इस जुर्म से बरी है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। खराब है कि वीडियो ना बन ले आदमी सब को दिक्कत पर इस देखे में अरे बच्चा ए कहिए क्या कह रहा है। जब साहब पता चला है कि मेरे बेटे को गलत इंजाम, अरे भाई मेरा बेटा मुसीब है, मेरा बेटा मुसीब बनता है, उसको दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक, उसको गलत इंजाम में फंसाया गया। जब साहब मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, छोड़ दीजिए। अरे भाई ये अदालत है, कोई तुम्हारा घर नहीं, जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है, दौर दहशतगर्दी और बगावत की तालीम दी जाती है, उसमें तुम्हारा भी बेटा है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। या आपको गलत जलाली है या किसी की भूखी की साजिश है, अरे भाई आपको क्या मालूम, वहाँ तो प्यारे मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज के चंगुलों से आजाद कर दिया, जिसके वजह से हम और आप आज चैन की सांस ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। अरे ये कैसी बात करते हो, मदरसों मोहब्बत और जंगे आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है, ये तुम्हें किसने बता दिया, जंगे आजादी में तो मुसलमानों का कहीं नाम व निशान नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ कोविंद और भी बहुत से लोगों का गारिक रहा है, मगर उसमें तो मुसलमानों का कहीं तौर तक नाम व निशान नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपने तो अपनी आंखों में तअस्सुब और के चश्मे लगा रखे हैं, जो आपको एक तरफ सोचने से बाहर निकलने दे रही है, और मुझे तो लगता है कि आप बाहर के सेवा नहीं इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुझे मालूम है इस गुस्ताखी की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल जेल हाँ हाँ जेल, आप जेल की बातें करते हैं, अरे जेल में जाने से कौन डरता है, हम तो जेल जेल जेल, हम तो हक बात और मुल्क के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे असलाम ने इस मुल्क के खातिर अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया, इसी तरह हम भी अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया जाए। अब अगले सुनवाई गुस्तरबात होगी और साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वासी हो जाए और जंगे आजादी मुसलमानों का क्या रोल लाया है और मदरसा इस्लामिया को दहशतगर्दी से ताल्लुक है कि नहीं। Thank you.
मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन।